चलें जी, ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। फीमेल को मैं बांध दूंगा, घर से कहा लिए बड़े भाई की। और डॉक्टर तायाबू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी, अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहरहाल वो बता नहीं रहा था और मेरा भी दिल धक धक कर रहा है यहाँ से। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे काम में मसरूफ़ होंगे। मैं हूँ मलिक रुमान और आप सबको खुशामदीद करता हूँ हमारे चैनल आर ए बर्ड्स पर। ये हमारे साथ छोटे से भाई हैं शामिर भाई, और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और बस साथ हम आ जाए हैं डेरे पर, कुछ थोड़ा सा काम भी था और व्लॉग भी बनाना था, तो चलें आगे चलते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं और बाकी आप लोगों को कुछ जानवर वगैरह दिखाते हैं, डॉग्स वगैरह दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश थी कि आप डॉग्स पर वीडियो बनाना आपने छोड़ दिए, तो डॉग्स पर मैंने इतनी खास वीडियो बनाई नहीं थी, दो चार ही वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद डेरे पर आना बहुत कम कर दिया था, दोबारा आ जाए हैं तो मैंने कहा चले साथ साथ व्लॉग बना लेते हैं और कुछ बातें भी शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाहर फीमेल बैठी हुई है, वही वाली जो पिगाड़ी फीमेल थी, बीमार हो गई थी, जिसको इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाली है जी, माशाल्लाह इसने कान खड़े कर लिए, मुझे देख के इसने बिठा लिए कान। एक दोबारा मैं इसको दिखाता हूँ जब ये मोशन में आएगी। तो बाकी ये वो कौन सा पिगाड़ी, वो वाली पिगाड़ी फीमेल बैठी हुई है। और इसके जब बच्चे निकले थे, ये आ गई है, इसी की बेटी है, ये जो बीमार हो गई थी, बिल्कुल छोटी सी थी, उधर बंदे भी होती थी, बहुत ज़्यादा भोंकती थी, ये वही वाली फ़ीमेल है। कासिम क्या कर रहे थे? कासिम को पता नहीं क्या हुआ है। और फीमेल को खोलते हैं, काफ़ी अरसे बाद मैं इसके पास आया हूँ, कोई तकरीबन चार एक माह तो कहीं नहीं गए। तो ये पता नहीं किधर से आ गया है, तायाबू को अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, वो थोड़े बीमार हैं और उन्हीं को पता है कि वो कहाँ से लेके आए हैं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पता नहीं आया भी कौन सा, मुझे तो वैसे ही लग रहा है आम सा। ये दरख्त वगैरह आप लोग देख सकते हैं, सावन का महीना गुजरा तो रौनक ही रौनक हो गया, सब्जा ही सब्ज़ा हो गया। मैं पीछे से भी एक दफ़ा दिखाता हूँ, ये दरेख लगी हुई है, दरेख के बीज, इसको दरखानू भी बोलते हैं, जो गाँव देहात में लोग लड़के बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को गुलेल में डाल के मारते हैं, ये वही लगी हुई है। और जो सूख गया वो फिर बीज बन जाता है, तैयार हो जाता है। ये वो है पत्थर चट, नहीं यार मेरे जहन से नाम इसका निकल गया है, इसका साया बहुत ज़्यादा होता है। ये आप लोगों को जिस जिसको इस दरख्त के बारे में पता है वो तो उनको पता चल गया होगा, और जिनको पता है वो अगर कमेंट भी कर दें तो ज़्यादा अच्छी ही बात है, जिनको नहीं पता वो कमेंट पढ़ लें। पता नहीं जहन से निकल गया। अच्छा जी, वो तूत लगा हुआ है, खाने वाला तूत नहीं, वो बड़े वाला तूत है, हम तो इसको नहीं खाते, पता नहीं किस इलाके में खाया जाता हो, कोई पता नहीं है, वो भी वही शतूत भी बोलते हैं इसको, तूत तो खैर खाने वाला होता है। तूत इधर हमारे घर में लगा हुआ था, वो इधर लेके आए थे यहाँ पर इस जगह पर लगाया था, या इस जगह पर लगाया था, वो भैंसों ने ख़राब कर दिया था, छोटा सा था, सारा टूट छूट गया, खा लिया। अच्छा बकरियाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, बकरा तो सेल कर दिया था कुर्बानी पर, बकरियाँ भी काफ़ी कम हैं, बस यही को पीस फेर रहे हैं। हाँ ये भी एक छोटी सी मेमने है, ये लें जी। अच्छा पिगाड़ी फीमेल को खोलते हैं, ये इसकी पिगाड़ी फीमेल की बच्ची है, बेटी है, ये अल्सेशियन मेल है, इसके जो भी बच्चे थे वो सारे गिफ्ट कर दिए थे, इंशाल्लाह दोबारा जब ये देगी तो आप लोगों को शौक भी कराएंगे और गिफ्ट भी करेंगे। बाकी मैं एक दफ़ा थोड़ी सी गायें भैंसें दिखा दूँ आप लोगों को। नहीं नहीं टक्कर वक्कर नहीं मारती, ये मारती हैं, जानवर है भाई। अब आप बोलो कि कुत्ता चाक नहीं लगाएगा। ये रेड़े वाली भैंस है जी, रेड़े में बांधते हैं आई थिंक, तो वही है, मैं सामने से उसको देखूं। हाँ ये वही है, देखना सही एंगल है। ये मुर्गा कौन सा, ये लेयर, जो लेयर आप अंडा खाते हैं सफ़ेद वाला, उसका जो मेल होता है वो उसको रंग करके 20-20 रुपए का, 30-30 रुपए का, खैर आजकल तो 40 रुपए का भी सेल हो रहा है, पहले तो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का फेरी वाला सेल करते थे, आजकल जी 20-30 रुपए का मेल सेल होता है जी। जो भी बंदा लेता है उसके पास मेल ही निकलते हैं, वो पूछते हैं अक्सर भाई ये मेल क्यों निकलते हैं, जो लेयर, जब लेयर का हैच निकलता है लेयर मुर्गी का, उसमें मेल भी होते हैं फीमेल्स भी होते हैं, फीमेल्स वो सेक्सिंग करके फीमेल्स अपने पास फार्म में डाल लेते हैं, और जो मेल होते हैं वो सेल आउट कर देते हैं लोकल फेरी वालों को, रंग लगा कर, रंग फेरी वाले भी लगाते हैं आगे से, फिर ब्रोकर उठा के वो भी रंग करते हैं, ब्रोकर क्या यहाँ पर पिंडी करना, तो चंगड़ शंगड़ से बैठे हुए होते हैं, वो उनको रंग कर रहे होते हैं। अजय कुछ कट्टे कटियाँ, कट्टे तो मेरे नहीं, कट्टे तो उस खाने में, ये कोई बच्चे बच्चियाँ, और मुझे तो तकरीबन सारी बच्चियाँ लग रही हैं। ये इंशाल्लाह जी रखेंगे, होम ब्रीड तैयार करेंगे, ये वाला मेल बैठा हुआ है,
मैं अंदर जाके भी आपको दिखा देता हूँ, जा थोड़े से गलत रास्ते से हूँ। उठ जा भाई, तेरी वीडियो बन रही है। हाँ नहीं उठना, अच्छा ना उठ, नाराज है। देख ले ये वाला मेल है, कौन सा ये वाला, कुछ नहीं कहता भाई, ये मुझे ऐसे डर लग रहा है, मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो खैर किसी से नहीं डर लग रहा, शमीर भाई को लग रहा हो तो इलादा बात है। अंदर आना, अच्छा कुछ ये हैं जी, ये अंदर ही हैं भाई, किधर है, अंदर कटे होंगे फिर, अच्छा ये छोटे हैं, वो डेरी क्या जी, लास्ट वाला रूम है, वहाँ से फिर लेफ़्ट टर्न ले लेता है, वहाँ से राइट भी है लेफ़्ट भी है, यहाँ से मैं एक छोटी सी स्टोरी टाइप वीडियो बना, अच्छा वो उसने कान खड़े कर लिए, ये ले, अच्छा छोटी सी वीडियो बन गई है स्टोरी टाइप, स्टोरी के लिए नहीं बनाई, स्टेटस के लिए बनाई है, क्योंकि व्हाट्सएप वाले जो लोग हैं जो कॉन्टेक्ट में हैं वो लोग पूछ रहे थे कि आप डेयरी फार्मिंग का शौक नहीं करवा रहे, वहाँ पर आप नहीं जा रहे तो क्या वजह है, तो उसके लिए बताया है कि टाइम नहीं मिल रहा, पोल्ट्री फार्म से टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं डेयरी फार्मिंग में आके आपको क्या शो करवाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ, तो यहाँ पर ये कुछ जानवर वगैरह बाहर जो चराने वाले लोग फिर रहे, हम तो खैर नहीं खोलते बाहर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह जानवर है। ये वाली जो जगह थी ये पिछली दफ़ा हमारे पास ही थी, खोपड़ी देख लें, क्यों शमीर भाई आए ना आगे, आ जाओ आ जाओ, दरमियान से गुजर क्या, आ जा आ जा, नहीं नहीं आ जा, ये नया किला लगाया यहाँ पर, ये वाली मारती हैं, ये वाली नहीं मारती, हाँ ये टकरे भी मारती हैं, टांगे भी मारती हैं, ये जो ये है ये इस वाली ने रस्सी खा खा के तबाही मचाई हुई थी, तो इसको चैन बांधते हैं, हाँ ये है, और एक वो ये तो बड़ी मोटी है, एक और है वो पता नहीं किधर की है, वो भी है, शमीर भाई के साथ जी ये मानूस हो गई है, पीछे पीछे फिर रही है, अच्छा डॉग को खोलें अभी या ना खोलें, खोल लेते हैं, अच्छा बाहर के लिए पानी भी लेके जाना था, जो चारा काट रहे हैं तो पानी डालते हैं पहले, फिर शमीर भाई को पानी पकड़ा लूँगा, मैं फ़ीमेल पकड़ लूँगा, ओह अच्छा सील मुर्गी का शौक़ इतनी ख़ास मेरे कागज़ों में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा शौक़ कर लें, ये वही मुर्गियाँ जो मैंने सबसे पहली दफ़ा घर में डाली थी, कुड़ो कोई भी है जी, इसका शौक़ करवा देते हैं, अंडे ओह निकल गया, इसने हाथ में नहीं आना मोड़ के, अब केड़ी चीज़ बना रहे हो जी, मैं दूध गरम करना जरूरी, चाय ना बना सो सासे, चाय बनाने है ना, वही गला में बनाओ ना, वीडियो में बाद शुरू की थी ना, तो सब पहले पूछ लेता सी, अच्छा वो बाहर देना है पानी देना है, जाग किधर जाग, बाहर नहीं मोटर चलने लगी है, बाहर गली जाग, पानी का भरना है, पहले थोड़ा सा पानी निकलने देंगे उसके बाद भरेंगे, अच्छा बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि आप जो व्लॉग हैं ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस होके बनाते हैं, तो एक तो मेरी आदत भी नहीं है इस व्लॉग में हंसते हुए बात करते हुए, वैसे जो रियल में है वो मैं बहुत ज़्यादा हंस कर बात करता हूँ, व्लॉग में जब भी मैं बनाता हूँ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, तो जान कर नहीं करता, बहरहाल अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ हंस खेल कर बात करूँगा, हंस खेल कर वीडियो बनाऊँगा, ये पानी निकल गया, शमीर ये पकड़ उधर से गिलास उठा, ये ले ले, मैं फीमेल खोल के लेके आता हूँ, बाहर ही आ रहा हूँ, एक बोरी भी लेके जानी है, लेकिन फिर वक्त ये फीमेल लेके जाते हैं जी, मैं इसको बहुत अरसे बाद हाथ लगाने लगा हूँ, बहुत अरसे बाद, और बाहर आना, निकल तो नहीं रहा, इसको पता नहीं उस साइड पर क्या है, किस चीज़ की खुशबू आ रही है, बाहर नहीं आ रही तो उधर जा रही,
पता नहीं इसे गर्मी लगी है या क्या होगा, बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही। चल आ जा। मोड़ के पीने हैं चाय अभी। इधर आ, अंदर से एक बोरी उठानी है। ये फिर फीमेल डाल रही है। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अरसे बाद खुली है जी। बाहर नहीं आना, चल बाहर। आएगी तो लेके आऊँगा, पट्टा निकाल लेगी ये देख। नहीं नहीं अकलमंद है भाई, गाड़ी नस्ल है अकलमंद है, पड़ती पुड़ती नहीं है। खुलता बाहर है, बाहर ब्लॉक पड़ा हुआ है। हम निकल जाएंगे पतले बंदे। हाँ खुला रहे, आने दे दूसरों को भी, खोल दे। ये मेरी फेवरेट फीमेल है जी, वोगले वाली, बहुत प्यारी है। वाइट वाला नहीं आया, वाइट वाला ये बाबा जी से जाके पूछते हैं जी, यहाँ पर डेरे पर होते हैं, कि ये वाइट वाला कुत्ता कहाँ से आया। बाबा जी ये चिट्टा कुत्ता किधर आना ने? नहीं सही दसो ना किधर आया है? मेरे फुफड़े आंदे, पता नहीं मेरे फुफड़े को ये क्या चीज नजर आई है, पकड़ के इधर ले आया। ये कुछ सगले हो खड़े ने पे रोड पे कोई बंदा ये ना गड्डी में रखा नजर, ऐसे नजर क्या आया ना की ये तो बड़ा जबरदस्त। हां बड़ा, मेरे तो भोका नहीं है, बड़ा जबरदस्त है। इन्हें तू लड़ाई ला ना देख दे। बिल्कुल ये पता नहीं मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं वो फेंकने जा रहा था कोई, तो उन्होंने रस्से में ले लिया मेरे फुफड़ ने, वो पकड़ के इधर ले आए हैं, वो गांव में होते हैं। कॉल आ गई घर से। चलें जी व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। फीमेल को मैं बांध दूंगा, घर से कॉल आई है बड़े भाई की, और डॉक्टर तायाबू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहरहाल वो बता नहीं रहा था और मेरा भी दिल धक धक कर रहा यहाँ से। हिम्मत नहीं हो रही आगे व्लॉग को बनाने की, तो व्लॉग के लिए बस आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे तायाबू के लिए दुआ करें।